दोस्तों स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैकेनिकल टेक्निकल लर्निंग में। आज हम बात करेंगे स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में, स्टीयरिंग सिस्टम मैकेनिज्म कैसे काम करता है फोर व्हीलर का। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो चलिए हम वीडियो करते हैं चालू। दोस्तों ये रहा स्टीयरिंग सिस्टम का डायग्राम। स्टीयरिंग सिस्टम जो होता है फोर व्हीलर का, वो काम करता है रैक एंड पिनियन सिस्टम पे। ठीक है दोस्तों, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जैसे ट्रैक्टर हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, ये जितने भी व्हीकल्स देखते हैं सब में रैक एंड पिनियन प्रोसेस पे ही स्टीयरिंग सिस्टम सबका काम करता है और सबका जो है वर्किंग प्रिंसिपल, सबका फंक्शन सेम ही होता है। दोस्तों टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एडवांस हुआ तो फिर ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग सिस्टम यूज किया जाता है या फिर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम यूज किया जाता है, ताकि ड्राइवर को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रैक एंड पिनियन होता क्या है। तो ये होता है एक बड़ा सा रैक होता है जिसपे गियर बने होते हैं, टीथ कटे होते हैं, और ये होता है आपके पास एक पिनियन। दोस्तों ये जब हम ऐसे स्टीयरिंग जब पकड़ के ऐसे ऐसे जब हम घुमाते हैं तो इस पिनियन से कनेक्ट होता है ये स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, तो अब हम जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाएंगे तो ये भी गोल गोल घूमेगा। अगर मानते हैं कि इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन दे रहे हैं, तो जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टीथ के हेल्प से ये रैक को इधर करेगा, इस साइड में घुमाएगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहे हैं तो ये रैक को इस साइड में घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों बेसिक फंडा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए इस डायग्राम में ये है आपके पास एक स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग शाफ्ट है, और ये जो पूरा सिस्टम है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका पिनियन। पिनियन ये है जो कि ये बना है, और रेक ये है जो कि ये है। तो अब ये इस स्टीयरिंग व्हील से ये पिनियन कनेक्ट है। अच्छा, तो जब हम इसको घुमाएंगे, तो इसके पास मोशन आएगा। इसके पास अगर रोटरी मोशन होगा तो इसको रेसिप्रोकेटिंग और लीनियर में चेंज करेगा। अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। अब इस रैक से हमारा जुड़ा हुआ है टाई रॉड, ये जुड़ा हुआ है। अच्छा, और टाई रॉड से यानी इससे, और टाई रॉड से क्या कनेक्ट है, यह है लिंकिंग मैकेनिज्म। अब हम लिंकिंग मैकेनिज्म को हम इसको आर्म भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपके व्हील को टर्निंग मोशन प्रोवाइड करता है। अब इस पूरे डायग्राम को हम लोग एक आसान भाषा में समझते हैं। आइए देखिए, ये स्टीयरिंग सिस्टम है, यहाँ से आप इसको गोल गोल घुमाएंगे तो इस स्टीयरिंग से ये आपका कनेक्ट है पिनियन। पिनियन भी गोल गोल घूमेगा। जब ये गोल गोल घूमेगा तो टीथ के हेल्प से इसको लीनियर और रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करेगा, यानी इसको ऐसे ऐसे कुछ करेगा जब ये गोल गोल घूमेगा। तो अब इससे कनेक्ट है आपका टाई रॉड, कनेक्ट है, और टाई रॉड से क्या कनेक्ट है आपका लिंकिंग मैकेनिज्म और आर्म। तो ये जो पूरा ओवरऑल जो मोशन होगा वो रोटरी से रेसिप्रोकेटिंग में चेंज होगा, और रेसिप्रोकेटिंग में टाई रॉड के हेल्प से ये आपके पास इस लिंकिंग मैकेनिज्म के पास टर्निंग मोशन आएगा। यानी ये जो लिंकिंग मैकेनिज्म है इसका काम यही है कि आपका जो व्हील है व्हील को टर्निंग मोशन प्रोवाइड करना, इस लिंकिंग मैकेनिज्म का यही काम है। दोस्तों ये रहा पूरे स्टीयरिंग सिस्टम का मैकेनिज्म। बेसिक फंडा जो होता है वो यही होता है, इसी प्रोसेस पे आपका फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी काम करता है। अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग रेशियो के बारे में कि आपका स्टीयरिंग रेशियो क्या है। सपोज दोस्तों मानते हैं कि हम इसको अगर 360 घुमाते हैं, अगर इसको हम 360 घुमाने पे आपका जो व्हील का जो एंगल होता है वो 20 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो क्या होता है, ये रेशियो होता है 360 डिवाइड बाई 20, यानी टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग कॉलम डिवाइड बाई टर्निंग ऑफ व्हील। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 18 डिवाइड बाई 1, यानी जो आपका स्टीयरिंग रेशियो आएगा 18 डिवाइड बाई 1 आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। It's caught in the crossfire.